लोग आ रहे भैया, आप तो ऊपर देखो सीटों पर। या लेने के लिए बहुत उत्साहपूरित वातावरण में चल रहे। प्रधानमंत्री अभी तक 3 मीटिंग्स एड्रेस किया है। अमित शाह जी 2 बार आ चुके हैं और रक्षा मंत्री भी आ चुके हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी आ चुके हैं। और इस आने वाले इस 3 दिन में सभी राष्ट्रीय नेता फाइनल राउंड इलेक्शन कैंपेन में आने वाले हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ऐसे अलग अलग प्रांतों से भी प्रमुख नेता इस इलेक्शन कैंपेन में भाग लेंगे। और फाइनल मीटिंग इस चुनाव के संबंधित लास्ट मीटिंग इसी ग्राउंड्स में मौलाना आज़ाद स्पोर्ट्स स्टेडियम जम्मू में होगा। उस फाइनल मीटिंग्स में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी विजय संकल्प महारैली को एड्रेस करेंगे और इसी हमारा इलेक्शन कैंपेन ऑलमोस्ट समाप्त होता है। जो 29th को 5 बजे तक समय है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे हमारे प्रत्याशी लोग लोकल कार्यक्रम करेंगे। बड़ा पब्लिक मीटिंग्स 29th को हम नहीं रखेंगे। जो भी होगा 28th शाम तक पूरा हमारा इलेक्शन कैंपेन बड़ा मीटिंग संपन्न होगा। एक अच्छे वातावरण है। हम इस नेताओं का कैंपेन के साथ साथ हम डोर टू डोर कैंपेन पर ध्यान दे रहे, हर घर को जा रहा, हर व्यक्ति को मिलना, ये इसमें कार्यक्रम में ध्यान दे रहे। मेरे ख्याल से 90% 95% ऑफ पोलिंग बूथ पे हर घर को जाने का कार्यक्रम पूरा हो चुके हैं। अभी इस 3-4 दिन में जो बचे हैं वो भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और होम मंत्री अमित शाह जी का आदेश था, ज़्यादा ध्यान डोर टू डोर कैंपेन जाकर व्यक्ति से मिलकर इस चुनाव के भारतीय जनता पार्टी जितना जरूरी की आवश्यकता बारे में बताने का निर्णय किया है। हमारा कार्यकर्ता भी पूरे ध्यान देकर आज डोर टू डोर कैंपेन में हर घर को जा रहे। एक अच्छे वातावरण है। जम्मू रीजन में 100% सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। कोई सीट ऐसा नहीं है हम वीक है। जो भी हर सीट में आज जनता तय किया है, नेताओं के बारे में नहीं सोच रहे, जनता तय किया है बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास होगा, बीजेपी नेतृत्व में जम्मू कश्मीर एक स्थिर सरकार आएंगे, बीजेपी के नेतृत्व में ही जम्मू कश्मीर में शांति होगा, बीजेपी के नेतृत्व में ही एक भ्रष्टाचार पूरा समाप्त होगा। ऐसा आम जनता भी आज जम्मू कश्मीर में एक वातावरण पॉजिटिव एटीट्यूड पे लोग सोच रहे। मेरे को पूरा विश्वास है जो सेकंड फेज थर्ड फेज होगा हम 100% सीट्स हम इसमें जीत रहे हैं।